तो भाई किसी भी सिटी में 3 या 4 दिन रुकने के बाद उस सिटी के बारे में थोड़ा बहुत तो यार पता चल ही जाता है। रात के टाइम सिटी में घूमने का, उसे एक्सप्लोर करने का भाई मज़ा ही कुछ अलग है यार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं भाई आप सब? आज है 20 जून और कज़ान सिटी में आए हुए मुझे लगभग 5 दिन हो चुके हैं और इस वक्त मैं बैठा हूँ काबन लेक के पास। इस तरफ है मेरी काबन लेक और चलिए पहले मैं आपको काबन लेक दिखाता हूँ, उसके बाद बाकी की बातें हम बाद में करते हैं। ये लेक बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमारी चंडीगढ़ की सुखना लेक। जो लोग पंजाब से और चंडीगढ़ से होंगे उनको तो पता होगा, और हाँ हरियाणा वाले भी यार उनको पता होगा चंडीगढ़ लेक का। वैसी ही लेक है ये देखने में, बट इसकी जो खूबसूरती है उसे और ज़्यादा बढ़ा रहा है इसका जो वाटर फाउंटेन है जी, और इसमें काफ़ी सारी ये बोट्स वगैरह चल रही हैं आप देख सकते हैं। अभी रात नहीं हुई है, जब रात हो जाएगी तो इसमें लाइट वगैरह चलनी शुरू हो जाएंगी तो इसका जो व्यू है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा हमें। तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ यहीं पर। Буквально перерыв 15 минут. Те, кто сбоку стоят, проходите вперед, потому что это два совершенно разных звука сбоку и спереди. तो भाई थोड़ा सा लेट हो गए हम, यहाँ पर लाइव कंसर्ट चल रहा था तो मैं आपको रशियन सॉन्ग जरा सुना था, यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो गए यार। वैसे मैं कज़ान सिटी में इतनी देर रुकना नहीं चाहता था, बट मैं वेट कर रहा हूँ अपने वीज़ा की, क्योंकि 25 जून को मेरा रशियन वीज़ा है जो वो ख़त्म हो रहा है, तो उससे पहले मुझे इस कंट्री को छोड़ना होगा और नई कंट्री में जाने के लिए चाहिए होगा वीज़ा। वैसे वीज़ा अप्लाई करे हुए मुझे काफ़ी दिन हो चुके हैं बट अभी तक उनका मुझे कोई रिप्लाई मिला नहीं है। तो आज संडे है, कल को मंडे है, तो मैं एक बार उनको मेल ज़रूर करूँगा ताकि वो अपना डिसीजन है जो बता सकें मुझे कि वीज़ा देंगे या नहीं देंगे। तो जो नेक्स्ट हमारा प्लान होगा वो मैं जल्दी से बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास रशिया का वीज़ा अभी बहुत कम बचा है भाई, सिर्फ 5 दिन बचे हैं मेरे पास रशिया में, और उससे पहले मुझे रशिया को एग्ज़िट करना होगा। कज़ान सिटी में रुकने का मेरा एक ही कारण है, क्योंकि जिस कंट्री में मैं जाना चाहता हूँ उस कंट्री में, उस कंट्री के लिए जितनी भी फ्लाइट्स चलती हैं वो या तो समारा या एक यहाँ पर नोवगोर्ड है, और या कज़ान सिटी से जो यहाँ के एयरपोर्ट्स हैं वहाँ से चलती हैं, और थोड़ी फ्लाइट है जो वो सस्ती भी मिल रही है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ वीज़ा की, जैसे ही वीज़ा आ जाएगा तो भाई देखते हैं फिर कौन सी सिटी का मुझे जो फ्लाइट टिकट है वो सस्ती मिलेगी, तो फिर उस तरफ निकल जाऊँगा। क्योंकि यहाँ से जो समारा सिटी है वो है 350 किलोमीटर और यहाँ से नवगोर्ड है वो है 150 किलोमीटर। तो कज़ान सिटी है जो दोनों सिटियों के सेंटर में है। तो भाई जल्दी से यार कोई ना कोई रिप्लाई आए, पॉजिटिव ही आए, ताकि मैं उस कंट्री में ट्रैवल कर सकूं और आपको भी वहां के नए नए ब्लॉग्स वीडियोस देखने को मिल सकें। तो चलिए अभी चलते हैं किसी दूसरी जगह पे। तो भाई एक बार फिर से हम पहुंच चुके हैं कज़ान की अर्बत स्ट्रीट पे। इसे आपने पहले भी देखा होगा हमारी पुरानी वीडियो में, वो दिन के टाइम का व्यू था, और आज इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा इस सिटी का नाइट व्यू। तो भाई किसी भी सिटी में 3 या 4 दिन रुकने के बाद उस सिटी के बारे में थोड़ा बहुत तो यार पता चल ही जाता है।
तो चलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ कज़ान सिटी का। तो भाई इस बात पे कोई शक नहीं है कि कज़ान सिटी खूबसूरत नहीं है, ये सिटी काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर पुराने हिस्टोरिकल काफ़ी प्लेसेस देखने को मिल जाएंगे आपको, और इस सिटी के अंदर ही काफ़ी सारी लेक्स हैं, साथ में वोल्गा रिवर गुजरती है जो इस सिटी को और भी खूबसूरत बनाती है। और अगर बात की जाए यहाँ की ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, काफ़ी अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। लोकल बस में अगर आप सफ़र करोगे तो आपको 35 रूबल देने पड़ेंगे, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में आप जाना चाहते हैं सिटी के अंदर ही तो आपको उसके लिए 70 रूबल पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर मेट्रो भी चलती है और रेल भी है, सब कुछ यहाँ पर है। लेकिन एक बात जो मुझे यहाँ की अच्छी नहीं लगी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे सिक्के के दो साइड होते हैं, वैसे ही हर एक जगह के हर एक बात के दो पहलू जरूर होते हैं। कुछ अच्छी बातें जुड़ी होती हैं उसके साथ और कुछ बुरी। तो भाई बुरा मुझे यहाँ बुरा नहीं कह सकते, मतलब जो मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगा वो है हॉस्टल को लेकर। यहाँ पर यहाँ के हॉस्टल हैं जो काफ़ी नो डाउट काफ़ी सस्ते हैं, आपको यहाँ पर 300-400 रूबल में पर नाइट हॉस्टल मिल जाएगा। लेकिन भाई आपको क्वालिटी भी वैसी ही मिलेगी, 300-400 रूबल वाली, कुछ खास नहीं है। इतनी सफाई वगैरह भी नहीं है अंदर। जो मुझे एक मतलब अजीब सी बात लगी यार वो ये थी कि आप हॉस्टल में रहने का चार्ज तो दे ही रहे हैं, दूसरा आपको अगर हॉस्टल का वाईफाई यूज़ करना है तो उसके लिए भी आपको अलग से पैसे पे करने पड़ेंगे। जैसे मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ तो उसके लिए मैंने उनको 100 रूबल अलग से पे किए हैं सिर्फ वाईफाई यूज़ करने के लिए। ये मुझे काफ़ी अजीब सा लगा। और फिलहाल अभी जिस हॉस्टल में मैं रुका हुआ हूँ ठीक ठाक सा है, इतना अच्छा भी नहीं है। और उनको मैंने 2 दिन वहाँ रहने के लिए 600 रूबल दिए हैं और 100 रूबल इंटरनेट यूज़ करने का दिया है। और फिर भी भाई किचन वगैरह और टॉयलेट वगैरह इतनी साफ़ नहीं है। तो सच बताऊँ तो मैं पक चुका हूँ इस शहर से, जाना चाहता हूँ, बस वेट कर रहा हूँ अपने वीज़े की, जल्दी से मेरा वीज़ा आ जाए ताकि मैं फिर रशिया को करूँ बाय बाय और फिर चलते हैं हम किसी नई कंट्री में उसको नए तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए। अगर भाई आप कज़ान आना चाहते हैं तो 1 या 2 दिन इनफ है, आप अच्छे से कज़ान को घूम लोगे, तो इसके बाद आप कहीं और पर भी जा सकते हो। और ये है इस तरफ कज़ान की सिटी लेक। और भाई कज़ान सिटी लेक के साथ ही ये बनी हुई है खूबसूरत स्ट्रीट। और अरे यार बीच मत मारना भाई, यहाँ पर साइकिलिंग वगैरह का काफ़ी क्रेज़ है, ये आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक साइकिल। और ये आप ऊपर लगी हुई हैं भाई लाइटें वगैरह, रात के समय में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही हैं यार। रात के टाइम सिटी में घूमने का, उसे एक्सप्लोर करने का भाई मज़ा ही कुछ अलग है यार। दिन में आपको ये जगह कुछ देखने को कुछ और लग रही थी, और रात के समय आप देख सकते हैं भाई कैसा नज़ारा आ रहा है यहाँ पर। तो भाई ये है यहाँ पर ओपन जिम, तो भाई यहाँ पर पंजा लड़ा रहे थे और ये भाई जीत गए। वैसे नहीं यार मुझे नहीं कोशिश करनी, क्या फ़ायदा यार, बेवजह हार जाऊँगा। ये है कज़ान क्रेमलिन। आई होप कि भाई आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूं और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। अगर आप मेरे साथ डेली मुझे मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं डेली अपने जो स्टेटस हैं रील्स वगैरह होती हैं वो डालता रहता हूँ। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा,
डिस्क्रिप्शन में, वो आप जाकर चेक कर लें भाई, फॉलो जरूर कर लें। और भाई अभी तक 70% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन है जो मिलती रहे। और मैं अभी चलता हूँ वापस से अपने हॉस्टल, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।